children, welcome to the class. Today we will read Rules of Translation. Before going to read this chapter, do you know how to translate? तो जान सो ट्रांसलेट के नारे पर्सन देखो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन का ना देखो इंग्रजी रे साधारण गोटी वाक्य कहिबा को बा लेखिबा को ले प्रथमे कासी सब्जेक्ट आतीसी तापरे वर्बटा तापरे ऑब्जेक्टटा इफ यू से एनी सेंटेंस फर्स्ट सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट आमे जदि केनसी सेंटेंस गुटे करा रखनी जदि लेखमा किंबा पढ़ना बेले पहला थीबा हमर सब्जेक्ट जेंडा पढ़ता तापरे थीबा वर्ब थीबा तापरे ऑब्जेक्ट थीसी देखो फर्स्ट आमे सब्जेक्ट पहला थीबा आफ्टर देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट इन दिस वे लेके सेंटेंस ए बोली बा बोले सेंटेंस के केतिसी एंडा दिस इज गो ए सेंटेंस जेना कर्ता होची जे निजे कहू छे जे काम कर ताके कर्ता कहसी इन दिस इज ए बुक इन हला सब्जेक्ट ई चला बीइंग वर ए बुक हला ऑब्जेक्ट इट सब्जेक्ट वर तापरे ऑब्जेक्ट ला तापरे आई रीड इंग्लिश मु इंग्रजी पढ़े आई के जे कर्ता सब्जेक्ट की जे निजे जेंदा की आई के पढ़सी इंग्लिश बुक आई मु पढ़सी मु इंग्लिश भी पढ़ मु इंग्लिश भी पढ़सी नला इनो आई टा होची हमर सब्जेक्ट रीड टा होची हमर वर्ब आउ इंग्लिश टा होची हमर ऑब्जेक्ट ला दे प्ले क्रिकेट से माने क्रिकेट खेलसन के खेलसी दे से माने क्रिकेट दे टा होची हमर सब्जेक्ट प्लेट हाउस है हमारा वर्ब और क्रिकेट हाउस है ऑब्जेक्ट अने हम जान ला जे कैंसी भी सेंटेंस के लिखले पहला सब्जेक्ट लागसी तापरे वर्ब लागसी और तापरे ऑब्जेक्ट ला दीज आर द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन अने कैंसी भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन करना वाले पहला रूल सब्जेक्ट के लिखना तापरे वर्ब के लिखना और तापरे ऑब्जेक्ट ला देन सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स आम जो सब्जेक्ट जो कर्ता अच्छे तीन प्रकार अच्छे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आम सब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन देन थर्ड वन इज थर्ड पर्सन देखो प्रथम पुरुष कर्ता फर्स्ट पर्सन कहे कहसन आई आउ वी के कहसन में प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन कहसन आई बोले मु आई एम टीचर मु ही मते काले बुझे छी आई बोले वी बोले आबु आबी माने वी आर स्टूडेंट्स आबे माने छात्र इन देखो फर्स्ट पर्सन ता रे नी निजन ले खाली फर्स्ट पर्सन ता होचे आई आउ वी ता होचे हमर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होचे यू यू माने तुम्हें माने अपन अपन माने यह होची सेकंड पर्सन सब्जेक्ट ला जैसा कि यू आर ए टीचर तुम्हें इन्होंने शिक्षक हो यू आर ए बॉय ला यू आर स्टूडेंट्स यू आर गर्ल्स यू आर वुमेन्स देखो फर्स्ट पर्सन टा हमारा निजल भी आला सेकंड पर्सन टा यू ला देन थर्ड पर्सन आई वी यू इंस्टिट्यूट ये तीन टा के छानी देले आई वी यू आउ जितने भी रहला से डाउट जामा थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि रहा ही इज ए टीचर दे तापरे दिस दे दोज इधर में हम जामा थर्ड पर्सन सिंगुलर ला होप यू अंडरस्टूड नेक्स्ट क्लास रे पढ़ना था पर्सन सिंगुलर्स आउ प्लुरल्स फॉर्म का पढ़ना देखो तापर आप टीके रही थी हमारे में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स रे
तार भीतर प्लुरल करना काने से देखो सिंगुलर सब्जेक्ट पिचर टेबल में देखो देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट आई रो प्लुरल काने वी आई एम ए टीचर्स मु जने शिक्षक आंबे माने शिक्षक वी आर टीचर्स देन सेकंड पर्सन द फर्स्ट पर्सन बोला देन सेकंड पर्सन आर यू यू विल बी नॉट चेंज इन सो प्लुरल फॉर्म यू टा के यू रहा तुम्हें चेंज नहीं है तुम्हें यू आर ए नॉटी बॉय देन इट कहले ता के बता दे को यू आर ए नॉटी बॉय यू टा मत चेंज नहीं है तुम्हें ना दुष्ट वाला को यू आर ए नॉटी बॉय इट विल नॉट चेंज इन सो प्लुरल फॉर्म देन थर्ड पर्सन देखो ही सी इट दिस दैट दोस ही और सी रोगनी तार प्लुरल फॉर्म है सी दे हीज टीचर से जो शिक्षक दे आर टीचर सी जे टीचर्स दे आर टीचर्स आमर एटा कि हीटा आमर मेल जेंडर में सी सीटा फीमेल जेंडर रे सी ही रो सी रो प्लुरल सोचे आमर दे तापर दिस रो होचे दिस रो दिस दिस इज ए पेन दिस इज ए सॉरी दिस इज चॉक दिस आर चॉक्स जते बेले गुटे चॉक के कोजन दिस इज ए चॉक जितने बहुत बड़े चौक होगा दी चार चौक्स ए बड़ी को चौक ला दैट रो दैट इज माय पेन सही टा मोर कलम दैट टा के दूर तरह यूज सी दिस टा पाकट ले दैट इज माय पेन सही टा मोर कलम दो चार माय पेन जदि से बहुत बड़े पेन अछि दिस रो पूरा अर्थ होने सी दो दो चार माय पेन ला ला ओके अंडरस्टूड सिंगुलर प्लस ला